बात कर रहा हूँ लाल कृष्ण आडवाणी की, और आप तो ये कह सकते हैं कि बेचारे आडवाणी। अब आप पूछेंगे कि बेचारे आडवाणी क्यों, जो स्लोगन बता रहा हूँ वो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लिखवाया करते थे, वॉल पेंटिंग हुआ करती थी कि हरियाणा की मांग पुरानी, रावी और ब्यास का पानी, राम बिलास की गर्जे बानी, दिल्ली में अटल आडवाणी। दिल्ली में अटल जी तो गर्जे ही, लेकिन आडवाणी जी का सूरज तो ऐसा ढला, एकदम से ढला, जिस प्रकार आजकल मोदी जी कहा करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और कभी वाजपेयी जी और आडवाणी जी भी कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत की लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता लोह पुरुष की संज्ञा दिया करते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस समय चर्चा चल रही है पूरे देश के अंदर, वो चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन, और इस चर्चा के बीच मैं आपके साथ मौजूद एक और विषय को लेकर हूं। वो विषय है कि देश की राजनीति के कभी विषम पितामह रहे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आज भी खुद में तो सक्रिय हैं, भले ही उनकी पार्टी या लोगों ने उनको नेपथ्य में डाल दिया हो, पर्दे में कर दिया हो। बात कर रहा हूँ लाल कृष्ण आडवाणी की, और आप तो ये कह सकते हैं कि बेचारे आडवाणी। अब आप पूछेंगे कि बेचारे आडवाणी क्यों, जो कभी पीएम वेटिंग थे, कभी जिनकी धमक थी। और आपको एक बहुत पुरानी बात बताऊं कि जिस शहर से हम हैं, दक्षिण हरियाणा का शहर है पलवल, और वहाँ एक नारे लिखे, स्लोगन लिखे हुआ करते थे 1980 से लेकर 1990 और उसके बाद 2000 के दशक तक। उस स्लोगन में लिखा होता था कि हरियाणा की मांग पुरानी, रावी और ब्यास का पानी, यानी कि ये हरियाणा की मांग हुआ करती थी जो आज तक पूरी नहीं हुई, रावी और ब्यास का पानी आज तक मिला नहीं। और दूसरा स्लोगन, जो स्लोगन बता रहा हूँ, वो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लिखवाया करते थे, वॉल पेंटिंग हुआ करती थी कि हरियाणा की मांग पुरानी, रावी और ब्यास का पानी, राम बिलास की गर्जे बानी, दिल्ली में अटल आडवाणी। दिल्ली में अटल जी तो गर्जे ही, दिल्ली में अटल जी प्रधानमंत्री भी देश के हुए, और अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति के अंदर वो मिसाल कायम की जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी बने, देश के गृह मंत्री भी हुए, और लाल कृष्ण आडवाणी को भी अगर कम से कम इस बात के लिए तो याद किया जाएगा कि जिस राम मंदिर को बनाने का श्रेय लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के दोबारे कुवत कर रही है, या ये दावा कर रही है कि सर उन्होंने राम मंदिर बनाया, तो उसकी जो शुरुआत थी, जो राम रथ निकाला था, राम रथ यात्रा निकाली थी 1989 के अंदर, वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने कि पहले 2 से 89 और फिर उसके बाद में आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार। जिस प्रकार आजकल मोदी जी कहा करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और कभी वाजपेयी जी और आडवाणी जी भी कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कि जो कल्पना थी उनकी कि कभी भारत कांग्रेस मुक्त होगा, और हुआ भी सब। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में, बेचारे आडवाणी। और आज इसलिए याद आए क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन पर जो एक कमेटी बनी है, जिसके मुखिया देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उस कमेटी के मेंबरान की घोषणा हुई, तो याद आ गया कि देश की राजनीति में कभी जो एक मुख्य धारा के नेता हुआ करते थे एल के आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता लोह पुरुष की संज्ञा दिया करते थे, और जो वाकई बहुत जिद्दी भी कह सकते हैं और अपने वादे के पूरे भी कह सकते हैं, जिस बात पर अड़ गए वो अड़ गए। आपको एक बात ध्यान दिलाऊं कि 2004 का जब चुनाव था लोकसभा का, और शाइनिंग इंडिया के साथ बीजेपी देश के अंदर उतरी थी, ऐसा लगता था कि एक बार फिर सरकार बनाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे जोश के साथ और पूरी उमंग के साथ राजनीति में थे। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय बहुत बड़ा फेस हुआ करते थे, देश के उप प्रधानमंत्री भी थे। एल के आडवाणी पलवल की अनाज मंडी में आए थे रामचंद्र बैंदा के समर्थन में रैली को संबोधित करने के लिए, और यहाँ पर उन्होंने एक नारा दिया था, या ये कहा था कि क्षेत्रीय दलों को वोट मत दो, भले ही कांग्रेस को वोट दे दो। आपको याद दिला दें कि जब उस समय जो हरियाणा की सरकार हुआ करती थी, ओम प्रकाश चौटाला सरकार के मुखिया हुआ करते थे, और जब एल के आडवाणी साहब का वो भाषण था, उन दिनों में भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, ओपी चौटाला मुख्यमंत्री थे, हालांकि विवाद तो बहुत थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उससे पहले तक उस सरकार को समर्थन रहा था, इकट्ठे चुनाव लड़े थे। तो मैंने आपसे कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बात को कहने के लिए
माने जाते थे, कभी कुछ भी कह सकते थे और जिद्दी भी थे। जिन्ना की मजार पर भी गए थे आडवाणी, और उसके बाद से वो राजनीति की जो मुख्य धारा से दूर कर दिया गया था उनको। खैर, आज जिस बात पर आपसे हम जिक्र कर रहे हैं कि बेचारे आडवाणी, आखिर बेचारे आडवाणी कैसे हुए, जो कभी देश की राजनीति के अंदर अपना जिनका डंका बजता था, और क्योंकि कहते हैं ना कि सूरज ढलता है धीरे धीरे, ढलता है ढल जाएगा, लेकिन आडवाणी जी का सूरज तो ऐसा ढला, एकदम से ढला, और जो कभी लगता नहीं कि शायद वो फिर से उनको चमकने का मौका मिले। अभी जो हाल ही में जो कमेटी बनी है, जब एलके आडवाणी जी को घर बिठाया गया तो बात ये रखी गई कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और उम्र दराज होने के कारण वो अब राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे। कहा गया कि राजनीति के अंदर भी एक उम्र सीमा तय होगी, उसके बाद वनवास तय है। मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया उनको, और आज आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में है। और भी बहुत सारे नेता हैं, जोशी जी भी हैं, और भी भाजपा के कई पुराने नेता हैं, उमा भारती जी का कहीं नाम भी सुनाई नहीं देता। तो जब एक कमेटी बनी उस चुनाव के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो समिति बनी है, उस समिति के जो मेंबरान हैं, जब उनकी उम्र देखी तो याद आडवाणी जी आ गए। उस समिति के अंदर एक मेंबर है सुभाष कश्यप, कानून के अच्छे ज्ञाता हैं, सक्रिय रहे हैं काफ़ी संसद की राजनीति में भी, देश की राजनीति में भी, और कानून के बारे में भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। विकिपीडिया लिखता है कि सुभाष कश्यप साहब की उम्र 94 साल है, 1929 बॉर्न है, मार्च 1929। अगर 94 साल के होकर के वो सक्रिय हैं, तो आखिर आडवाणी जी को 92 साल के जो है उनको वनवास क्यों दिया गया? आखिर उन्हें ऐसे मार्गदर्शक मंडल में क्यों डाल दिया गया कि जिनसे कोई राय लेने ही नहीं जाता? एक सदस्य और हैं उसके अंदर, उनकी उम्र है 82 साल, नाम है एनके सिंह, भाजपा के नेता हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, आईएएस अधिकारी रहे थे, संसद सदस्य रहे, सांसद भी रहे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, और भाजपा में काफ़ी सक्रिय नेता माने जाते हैं। उनकी उम्र 82 साल है, लेकिन जब आडवाणी जी को घर बिठाया गया तो उनकी उम्र 82 साल नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों? जो मैंने आपको कहा कि बेचारे आडवाणी। अच्छा, एक बात अगर और देख लें, अगर आडवाणी जी का देश की राजनीति के अंदर तो जो उन्होंने कर्तव्य को निर्वहन किया, जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभाई, विभिन्न विभिन्न भूमिकाओं में, चाहे वो विपक्ष के नेता के रूप में रहे हों या देश के उप प्रधानमंत्री रहे हों, अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए और अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते रहे, देश के गृहमंत्री भी रहे, और एक करुण हृदय जिन्हें कई बार टीवी चैनल्स पर भी भरी आंखों में, डबडबाई आंखों से देखा भी गया, और एक मजबूत व्यक्ति कि जो किसी भी बात को कहने के लिए कहीं पीछे नहीं हटता था, एक वो व्यक्तित्व जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी को 289 सीटों तक, और उसके बाद में आज बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहीं ना कहीं आडवाणी जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो मैं आपको बता रहा था कि आडवाणी जी याद आए, क्यों याद आए, कि वन नेशन वन जो इलेक्शन के लिए समिति बनी, मान लिया जाए कि उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शक मंडल के सदस्य रहे होंगे, लेकिन क्या आडवाणी जी अब इस लायक भी नहीं रहे? तो मैं आपको जो बता रहा था पहले, एक बात आपसे जाकर शुरू की थी कि जब आडवाणी जी की चर्चा करते हैं तो याद गुजरात भी आता है, याद गोधरा भी आता है, याद मोदी जी भी आते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गोधरा कांड हुआ था, अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी जी ने उनसे कहा था कि राज धर्म निभाओ, लेकिन उस समय साये की तरह आडवाणी जी उनके आगे आगे खड़े हो गए थे। और आपको एक बात और भी बताएं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ निकाला था, अयोध्या के लिए रथ यात्रा की थी, तो उस समय उनके रथ के साथ सारथी के तौर पर मोदी साहब हुआ करते थे। लेकिन ये राजनीति है, कब किसको नेपथ्य में डाल दे और कब किसको किससे ये लगने लग जाए कि कहीं ये मेरे लिए चुनौती ना बने, इसलिए उनको नेपथ्य में कर दिया जाए। तो आज तो यही कहा जाएगा कि जब खासकर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, हालांकि एक कमेटी की एक बात और भी है कि समिति के अंदर अधीर दादा भी मेंबर थे, कांग्रेस के नेता हैं, विपक्षी नेता हैं कांग्रेस के, और संसद के अंदर विपक्ष दल के प्रमुख भी हैं, उनको भी मेंबर बनाया गया। अधीर बाबू ने कह दिया कि मुझे समिति में रहने का कोई फ़ायदा नहीं दिखता, छोड़ दी। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, और भी कई नए नाम ऐसे हैं जो जाने पहचाने हैं, लेकिन लगता है कि समिति ने करना वो है जो पहले से तय है। अब देश को वन नेशन वन इलेक्शन मिलेगा, या जब संसद सत्र शुरू होगा 18 से 22 तक, उसके अंदर कोई नई विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ और भी प्रस्ताव आएंगे, देखना जरूर होगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति में
जब मार्गदर्शक मंडल के रूप में दूसरे दो लोग दिखे तो आडवाणी जी याद जरूर आए, और ये जरूर याद आया कि आखिर आदमी कैसे बेचारा हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, किसी और विषय पर बात करेंगे आपसे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।